हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे इंडो वेस्टर्न एक डिश, इसको स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स कहते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 kg मटन का मिल्स लिया हुआ है और आप देख सकते हैं खूब बारीक है, और थोड़ी स्पैगेटी लिए, इसको मैं बॉयल करूँगी। और ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनकी प्योरी बनेगी, और 1 टमाटर के चंक्स हैं, अदरक और लहसुन बारीक कटा है, और ये प्याज है, और ये चेडर चीज भी ली जाएगी, और रेड चिली सॉस भी पड़ेगा इसमें, और ये मोजरेला चीज़ भी ग्रेट करके पड़ेगा, और ये सॉस भी पड़ेगा, और इंडियन टच देने के लिए ग्रीन चिली और कोरिएंडर और प्याज जो हम लोग भरौन में डालते हैं, वो भरौन में डाल के डायरेक्ट मिक्स में मिक्स करूँगी। तो बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। स्पेशली मेरी ग्रैंड डॉटर्स को तो बहुत पसंद है मीट बॉल्स एंड स्पैगेटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए रेड सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं और उनको इसमें ग्राइंडर में डाल दूंगी, और 1 चम्मच के टीस्पून के करीब जीरा डाल दूंगी, और ये 3-4 लाल मिर्च मैंने सोक कर ली है, जिसमें मसाली हो जाएगी, इनको भी डाल दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको कम और बढ़ कर सकते हैं। तो बस इतनी डाली है, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा तीखा भी खाते हैं, और बच्चे भी आजकल नहीं है, इसलिए हम लोग तो खा ही सकते हैं। और थोड़ा यही मिर्चे वाला पानी इसमें डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, एक फाइन पेस्ट बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मीट बॉल्स की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये देखिए मिन्स ले लिया है। देखिए कितना महीन है, अगर इतना महीन आपको बूचर ना दे तो आप मिक्सी में डाल के खुद इतना महीन कर लीजिए, और इसमें चिकनाई बिल्कुल ना हो और छिटड़े भी ना हो, बिल्कुल क्लीन हो। देखिए कितना क्लीन है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी, और 2 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और ये थोड़ी सी चॉप अदरक डालूँगी, और ये इसके अंदर हरा धनिया है, हरी मिर्च है बारीक चॉप करी हुई, ये डाल दूँगी इसके अंदर, और ये प्याज है इसको इसके अंदर डाल दूँगी। ये काली मिर्च है किसी भी, थोड़ी ले लिए, क्योंकि हरी मिर्च मैंने 2 पीस दी हैं इसके अंदर, इसलिए काली मिर्च थोड़ी सी लेंगे। और ये परमेसन चीज़ है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा है, देखिए ये इसमें डाल दूंगी। और बाइंडिंग के लिए मैं इसमें 1 अंडा मैंने अच्छे से जो है फेंट लिया है, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, और सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास क्रम्स हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें क्रम्स भी डाल लें, ताकि जो है ये अच्छे से बाइंड भी हो जाए और तलते में टूटे भी नहीं। मेरे पास इस बार क्रम्स नहीं है, तो मैं जब बॉल्स बनाऊँगी तो उनको कॉर्नफ्लावर में कोटेड करके सब डालूंगी, तो वो चिपके लिए नहीं। और बहुत छोटी छोटी बॉल बनेंगे, जैसे हम लोगों के यहाँ कोफ्ते की बड़ी बॉल बनती है ट्रेडिशनल, वो नहीं बनेगी, छोटी छोटी बॉल बनेगी, ताकि जो है मसाला अच्छे से उसके अंदर मिल जाए, खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, ताकि सब मसाला सब में मिल जाए अच्छे से। और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, ताकि मसाला खूब अच्छे से मीट में मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने मीट बॉल्स बना ली हैं, और अब मैंने एक प्लेट में कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और उसमें ये मीट बॉल्स ऐसे रख दूंगी। और इन सबको जो है ऐसे करके कॉर्नफ्लोर से कोटेड कर दूंगी,
हल्के हाथ से करिएगा ताकि टूटे ना। ये देखिए मैंने सही टाइम में तेल गर्म कर लिया है। तेल थोड़ा गर्म ज़्यादा ही लिया है क्योंकि जो बचेगा तेल उसी में ही ग्रेवी बनेगी। जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है उसको उंगलियों से ऐसे करके अलग कर दीजिए। ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कोटिंग के लिए। देखिए ऐसा कर लीजिएगा तो वो सब इधर प्लेट में ही ढक जाएगा एक्स्ट्रा। तो जितना एक्स्ट्रा वो होगा वो सब जो है ढक जाएगा। उससे ये होगा कि बॉल्स आपकी टूटेंगी भी नहीं और उनकी शेप भी बिगड़ेगी। शैलो फ्राई करिएगा, बहुत डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जितना एक्स्ट्रा वो होगा वो सब उसमें भर जाएगा प्लेट में। ये देखिए ऐसा कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे तो ये दिखा दीजिए सर। पहले डालेंगे इसको वो आप बोलने लगेगी उसको स्ट्रॉन्ग की मदद से आप पलट सकते हैं। अभी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी अभी बोले बोले देंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अभी हल्के हल्के होने लगे हैं, इनको आप एक स्ट्रॉन्ग से हेल्प से इनको ऐसे पलट दीजिए। इन दोनों साइड से अच्छे से सीख जाएंगे। टोंग से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टोंग नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसकी स्पून से भी आप इसको ऐसे पलट सकते हैं। तो जितना इसका टाइम है वो तो रिलीज हो जाएगा और उससे आपके अच्छे से चल जाएंगे। ट्रेडिशनली तो इसको कोफ्ता ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि इंडो वेस्टर्न डिश है इसलिए मीट बॉल्स ही इसको कहेंगे। वैसे काफ़ी कुछ ये हमारे कोफ्ते से मिलती है, बस ग्रेवी का ही फर्क है। गोश्त का पानी रिलीज होकर तेल में मिल रहा है तो हमारे तेल में भी जो है वो गोश्त की खुशबू आ जाएगी, मसालों की खुशबू आ जाएगी और उसी में हम फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अभी ये अच्छे से चल जाए फिर आपको बताएंगे। हो गया है, अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यह है कि आप इसमें एक चाय चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं। खट्टा मीठा थोड़ा सा हो जाएगा तो इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा। अब इसमें आप 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। क्योंकि अपनी टेस्ट इसी का ही आता है। थोड़ी सी गाड़ी में तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला लीजिए, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा। अब ये हमारी बनी परफेक्ट ग्रेवी। अब इसमें टमाटर के जो चंक्स हमने काट के रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दिए।
उसको देख सकते हैं यूज होता है और एक स्लरी अंदाज आ जाता है आप देखिए, जो कि अगर आप सिर्फ टमाटर की गोली डाल दी तो ये ऐसे ये स्ट्रक्चर नहीं आता, ये ऐसा स्लरी ये स्ट्रक्चर जब ही आता है जब सॉस उसमें मिलता है और सॉस का टेस्ट मिलते ही ज़्यादा अच्छा बनता है। ये प्याजों के लिए बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, इतना हो गया है बस काफ़ी है। और फिर मैंने टमाटर प्यूरी बना के रखी थी, थोड़ी सी तीन चार लाल मिर्च भी डाल दी थी और दो तीन जगह लहसुन के भी डाल दिए थे, वो मैं उसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक टीस्पून और अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक भी डाल दूँगी, एक टीस्पून डालूँगी ये डाल दूँगी। अब थोड़ा सा इसको भून लूँगी अभी, क्योंकि टमाटर का कच्चापन निकल जाएगा, बाकी इंग्रेडिएंट बाद में मिलाएंगे। हमारी प्याजों के लिए बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, इतना हो गया है बस काफ़ी है। और फिर मैंने टमाटो प्यूरी बना के रखी थी, थोड़ी सी तीन चार लाल मिर्च भी डाल दी थी और दो तीन जगह लहसुन के भी डाल दिए थे, वो मैं उसके अंदर डाल दूँगी। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक टी स्पून और अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक भी डाल लें, मैं तो एक टी स्पून डालूँगी ये डाल दिया हूँ इसमें। अब थोड़ा सा इसको भून लूँगी अभी, क्योंकि टमाटर का कच्चापन निकल जाएगा, बाकी इंग्रेडिएंट बाद में मिलाऊँगी। देखिए हमारी अच्छे से तैयार हो गई है, अब मैं आपको प्लेटिंग भी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसकी प्लेटिंग भी थोड़ी ट्रिकी है, इसलिए मैंने सोचा प्लेटिंग भी करके दिखा दी, बॉल्स भी ना टूटे, नूडल्स भी दिखें। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को गिफ्ट के तौर पर बना के खिलाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर आप लोग के कमेंट थोड़े पॉजिटिव होंगे तो मैं मिडिल ईस्टर्न डिशेज और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये मेरी हो गई। और इसकी गार्निशिंग वैसे तो बासिल डालते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंडियन है इसलिए इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डालिए और ये मेरे स्पेशल बॉक्स मेरी बहुत तैयार है। और इस रेसिपी को अपने तक मत रखिएगा, इसको अपने लवर्स से भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, देखिए हमारी अच्छे से